Hello Tashi Delek, it's me Tashi. Me and my two colleagues, Pema and Kaldin, are from Central Institute of Higher Tibetan Studies. It's one of our students and staff's daily routine to go for morning and evening walk to drink chai on the main road of Sarnath. The chai here is really special. Tea drinking is very popular pastime in Varanasi. It's not unusual for someone to drink 3 or 4 cups in a day. But this chai stall is one of the busiest of all. We were intrigued to find out what is so special about this chai stall. So we decided to make this film. मेरा नाम नथु यादव है। मेरा हिरामनपुर घर है, हबीलिया चौराहे की चाय की दुकान है। पहले मेरे चाचा थे, चाचा दुकान किए थे, फिर हम लोग धीरे धीरे छोटे थे तो जाने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखते हुए हम भी चाय की दुकान खोले। पहले शुरू में कि सोचे कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे होगा। धीरे धीरे अपने आप को हम लोग पटुआ दिए, चाय अच्छी क्वालिटी देने लगे। धीरे धीरे बहुत लोग आते ही जाते हैं। अब ये होता है कि सुबह में जाकर 4 बजे भोर से खोलना पड़ जाता है। 4 बजे वहाँ पर बहुत आदमी आना जाने लगते हैं, और फिर हम जाते हैं तो सुबह 4:30 बजे दुकान खोल कर चाय वो बना कर रेडी करके, फिर उसके बाद जो है और 9 बजे छोटा भाई आता है। फिर छोटा भाई हम आते हैं घर पर, भैंस गुरु देखते हैं, अपना खाना आकर 2 घंटा आराम करके फिर 1 बजे हम चले जाते हैं चाय की दुकान पर। तो छोटा भाई आता है, घर का काम करता है, फिर उसके बाद हम आते हैं तो भैंस गुरु दूध गार कर अपना, फिर रात में 10 बजे तक चाय की दुकान मेरी खुली रहती है। 10 बजे के बाद वही दूध उध जाता है, गर्मा खोला कर बंद कर फिर सुबह से फिर स्टार्ट 4 बजे भोर से जाना चाय की दुकान पर। बहुत लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी भी आते हैं, छोटे छोटे भी आदमी आते हैं, बहुत लोग वहाँ पर, बहुत लोग अच्छे अच्छे भी आते हैं, और देश विदेश से सारनाथ लोग जाते हैं, बहुत बाहरी लोग भी आते हैं। यहाँ संस्थान है, संस्थान के बहुत छात्र लोग भी आते जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, अपना चाय पीते हैं, जहाँ चाय बढ़िया मिलती है। और चाय की क्वालिटी में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डालते, खाली चीनी डालते हैं, चाय का पत्ती, अदरक और दूध, कोई जालू कुछ नहीं है। ऐसा है कि कोई चीज़ भी हम लोग शुद्ध चीज़ रखते हैं, दूध भी घर का होता है, चीनी, चाय, और सबसे बड़ी चीज़ उसको पकाना बहुत बढ़िया पड़ता है। पकाने की वजह से जो चीज़ भी अथुआ रहता है, दूध भी खौलाया जाता है बढ़िया से, फिर उसको पकाया जाता है ज़्यादा समय ले, फिर उसमें चीनी, चाय, दूध डालते हैं हम लोग, कोई और कोई चीज़ नहीं डालते। और सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि जो मिट्टी का चीज़ है, पुरवे उसको बोला जाता है, उसमें चाय की डालने से चाय का स्वाद बहुत बढ़िया बनता है। मेरा नाम विनोद यादव है, मैं बगल का ही रहने वाला हूँ, लेकिन चाय का मुझे तलब है, तलब सबसे ज़्यादा चाय नहीं, यहाँ पे चाह लेके आता है, चाय नहीं चाह, लोगों का चाह। जब से लोगों अलग अलग लोगों से मिलते हैं यहाँ पे, जितने लोगों के साथ मिलते हैं, हंसी मजाक, राजनीति की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, हंसी चिटोरी, और सुबह का ये जैसे मोबाइल चार्ज करता है ना, ऐसे हम लोग इंसानों को चार्ज करते हैं सुबह सुबह यहाँ पे। और चार्ज होने के बाद दिन भर हम लोग एकदम थकावट दूर होता है, अपने अपने कामों पर मस्ती के साथ काम करते हैं। और ये चाय हम लोग नथु का इसलिए पीते हैं, नथु भैया का बहुत स्पेशल चाय है, इनके चाय में इनकी चाहत ज़्यादा है, क्योंकि इतना मजाक होता है, उसके बाद चाय की जो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन होती है। सुबह उठ का ये बहुत बड़ा नशा है, हो गया है, और सबसे बड़ा नशा कि ये जितने लोग हमारे भाई लोग हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ये बनारस का रूटीन है, बनारस की अड़ी बोलते हैं इसको, ये हम लोग की हवेलिया की अड़ी है, इतना मजा आता है। स्वाद इसमें है, दूसरे दुकान पर नहीं है। हाँ, स्वाद तो है ना, भीड़ तो स्वाद मांगती है। हाँ, अब स्वाद मांग रही है, अभी मलाई का चाय भी पियेंगे एक तो, और स्वाद मिलेगा वहाँ जाएगा, जहाँ स्वाद मिलेगा वही चाय पिएगा। मैं वाराणसी के सारनाथ उत्तरी छोर का रहने वाला आशापुर ग्राम का हूँ, इसलिए यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों की अपेक्षा पिंटू की चाय की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए यहाँ अधिक से अधिक लोग यहाँ आके चाय पीते हैं। चाय स्वाद बन गया यहाँ पीने का जो है, यहाँ ज़्यादातर बैठते हैं पीते हैं तो अच्छा लगता है, और घर ज़्यादा बैठते नहीं रहता, इसलिए चाय ही अच्छा लगता है। 5 किलोमीटर दूर से चाय पीने के लिए आते हैं, दिन भर में 20 चाय पीते हैं।
हर लोग चाय की तारीफ करते हैं। जापान, कोरिया, कंबोडिया, थाईलैंड सब यहाँ से चाय पी के जाते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं है मिल्क के बारे में, दूध के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं। चाय की क्वालिटी अच्छी है, दूध बढ़िया है, इसलिए चाय अच्छी होती है। यहाँ अधिक से अधिक लोग ज़्यादातर यहाँ पर चाय पीने के लिए शहर से भी लोग आते हैं। जो चाय देते हैं वो क्वालिटी एक नंबर वन है। कभी आप आइए तो एक बार पीजिए, फिर कहिए कि हम कह रहे हैं, एक बार विश्वास कीजिए, अगर ये बोले तो बिलीव कीजिए। हमारे घर में तीन भाई इस समय हैं, हम लोग हैं, माँ है और तीन औरत, और हमारे दो लड़के हैं इस समय। फिर उसके बाद छोटे भाई को जो बीच वाला भाई है उसके दो लड़का दो लड़की हैं। जो सबसे छोटा है उसको जो है कि एक लड़का एक लड़की हैं।